अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, तुम देख रहे हो खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान और मेरा सोना पंजाब। कल जदों खालसा राज नहीं आती है, खालसा पंथ नहीं आती है, तो एक नाम जड़ा है वह सब तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंदा है, जिन्हें कि खालसा राज बनाने दे विच सब तो वड्डी मदद दिती है, स्ट्रोंग करन विच दिती है। गुरु साहिबान तो बाद महाराजा रणजीत सिंह वाहिद पंजाब का सपूत सी, जिहदी वजह नाल पंजाब दे उत्ते जिहड़ी सी पंजाबी सरकार बनी सी। इत्थे दो वारी पंजाबी सरकार बनी है, पहली वारी तो राजा पोरस जिहड़ा सी कि सिकंदर आजम दे नाल मुकाबला कीता जिन्हें, और दूसरा महाराजा रणजीत सिंह होया जिहदी वैसे तो 1780 दे विच और यह मछली मंडी जिहनूं कहा जाता है पुराना गुरु नानकपुरा सी, इत्थे उन्हां दी पैदाइश हुंदी है और उस तो बाद वो कप जिहड़े इन्ने मुआरके करते हैं कि वह पहुँच जाते हैं तख्त लाहौर तक, तख्त लाहौर करद हो फिर देखो ये गल इतें ही खत्म नहीं होंगी, खाली पंजाब के उत्ते गिलगित बल्तिस्तान नॉर्थ वैसट पंजाब और बाकी दिया सारिया जिन्हें स्टेटा पंजाब का हिस्सा नहीं सन उन्होंने पंजाब के लिया के उन्होंने शामिल कर दिता। अज उस महान महाराजा की जी हवेली है वह हाल है, यह हवेली दिखा रहा जी मैं थानू, सरदार महान सिंह सन ऑफ चरण सिंह और फादर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, ओदी घर की जी है इस वेले हालत है हवेली बुरज सामान। ये चरण सिंह की पहले सी और फिर और महान सिंह मिली और महान सिंह तो यह हवेली मिली महाराजा रणजीत सिंह नू, और अजकल किहदे कोल है इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। कभी इत्थे बहुत वड्डे वड्डे मेले लगते होंगे, बड़े बड़े लोग आके बैठते होंगे, इस सारी जगह के उत्ते जथेदार कट्ठे होंदे होंगे, बड़ा कुछ होंदा होएगा, लेकिन फिलहाल इलेक्शन की नज़र होई हुई है और जगह जगह के उत्ते तुसी देखो ये तस्वीर लगिया हुई ने जिहड़े लोग इलेक्शन खड़े हुए ने। तुसी देख रहे हो हवेली सरदार महान सिंह और बर्थ प्लेस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी और तुसी देख रहे हो खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। यह बड़ा मेन हॉल है जिथे कि मेहमान आके बैठते सन, यह फायरप्लेस है, बाकी खिड़कियां ने बाहर खुलदियां ने, यह बड़ी आर्च जिहड़ी नज़र आ रही है, इस तो बाद भी जिहड़ा सी यह लाहौर नूं जांदा होया रस्ता सी इत्थों। हवेली दियां छत्तां डिग पईआं ने लेकिन इस तो बाद दुबारा बना दित्तियां गईआं ने, लेकिन असल हवेली की जो हालत सी वो तो दोबारा शायद कभी वापस ना आ सके, ना ही यदा रूज वापस आ सके। ए 8 कमरियां ते मुश्तमिल है जिदे ते एक वड्डा हाल है और 7 छोटे कमरे ने। ओ महाराजा रणजीत सिंह जिदा के टंके की चोट जिहड़ी सी हिंद सिंध विच वजदी सी और लोग कितों कितों नौकरियां करन वास्ते पंजाब राज दे विच आंदे सी, कोई इटली तो आ रहा सी ते कोई फ्रांस तो आ रहा सी, कदी जनरल हरी सिंह नलवा वर्गे लोग इन्हां नूं ज्वाइन करदे सन ते कदी जनरल एविटेबल वर्गे और जनरल होर भी जनरल गुजरे ने जिन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह दे अंडर वर्क कीता। मेरे अज दे सफ़र दे विच मेरे नाल ने फैज़ान काजमी, और गुरप्रीत आनंद साहब जो से खास तौर पर दिल्ली तो तशरीफ ले आए ने, यह पिछे उन्हें ही दे कोई जड़े जत्थेदार ने उन्हें हवेली है बैक साइड के उत्ते, यह कमरा है जिथे महाराजा रणजीत साहब पैदा होए 2 नवंबर 1780 नू, लेकिन लोग इन्हों 13 नवंबर नू बरसी मना डेट ऑफ बर्थ मना। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, हालत जार थोड़े सामने में की कवां और की ना कवां,
ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਓਰਿਜਨਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਸਭ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਟ ਸੈਲਰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਤਨ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਟੈਕਸਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਗ ਹਾਰਟਡ ਰੂਲਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਉਸਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਨ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੇ, ਚੀਨੀ, ਦਾਲ ਔਰ ਘਿਓ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 48 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
एक जड़ी चीज़ सी वो खड़ी और ताने ते आके गल मुकदी है, सिर्फ वो रेट ज़्यादा होए सन। और वह भी जदों महाराजा जदों लाहौर शहर के अंदर गलियां च फिरे तो जदों लोगों ने कलकारे मारे उत्थे आवाज़ा मारियां तो महाराजा ने अपने वजीरां तो पुछया कि आखिर की गल है की गल हुई, तो उन्होंने दसिया कि भी यह जड़ा है वो रेट जड़े ने वो वधाए गए ने। उन्होंने कहा कि मैं तो रेट वधाने वास्ते कुछ भी नहीं किया तो फिर रेट क्यों वधाए गए। लिहाजा वह भी खड़ी और ताने के जड़े सन रेट वह फिर वापस हो गए। तो गल हो रही सी खालसा राज दे मुतलक, ये सन सारे अल्फाज जड़े सन ये वीर गुरप्रीत आनंद साहब दे ने इन्हां दे अंदर छुपया होया एक दुख जड़ा उन्होंने देखिया अज आ के अपने तौर पर एक्सप्लोर करन वास्ते जड़े साढ़े नाल आए ने। यह टुटे हुए ए बुरज चबारे यह सारा कुछ जड़ा है देखो तुसी। मैं कुछ नसीब हाँ कि मैं आज आके वेख सकिया, मैं नहीं समझता कि मेरी आने वाली नस्ल इन खुश नसीब हो जो है मंजर भी वेख पागियाँ। यह वेखो हौले हौले पूरे खड़े हुए इन्ने व्डे महल का की हाल हो रहा है, यह किन्ने देर तक रहन गया कुछ अंदाजा नहीं। अंटिल द गवर्नमेंट गेट्स इन टू द पिक्चर एंड स्टार्ट। मैं फिर एक बार अपना डीडी आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट मैं उन्हों की नज़र इस पास लैके आवागा कि हवेली सरदार महान सिंह और बर्थ प्लेस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वल थोड़ी जी तवज्जो करन, क्योंकि उन्होंने मैं जिन्या भी चीज़ा हाईलाइट कीतिया ने उन्होंने बहुत ज़्यादा सारिया तो उन्होंने काम शुरू करवा दिता है। उम्मीद है कि यह जड़ा मैसेज है वीर गुरप्रीत आनंद साहब का एक जिहड़े सिख वीर ने जिन्हां दे अंदर यह थोड़ी जिनी देख के इन्हों वो पेन महसूस हुई है कि काइंडली इस चीज़ को दोबारा रिस्टोर किया जाए, चाहे बिल्डिंग किसी भी चीज़ वास्ते यूज़ की जाए, स्कूल वास्ते यूज़ की जा सकती है, लाइब्रेरी वास्ते यूज़ की जा सकती है, किसी भी अच्छे काम वास्ते यूज़ की सकती, एड्डी वड्डी बिल्डिंग जड़ी है ये ज़ाया हो जाएगी। तो उन्होंने मैसेज कहने का मकसद है कि इन्हें रिस्टोर करके म्यूजियम भी बनाया जा सकता है। और कितनिया चीज़ा ऐसा ने जिन्हों के नाल चीज़ा सारिया जुड़िया हुई ने। तो यह देखो तुम यह दराड़ा जड़िया ने पै गई ने और इस तरह फर्श जड़े ने देखो तुम बैठना शुरू हो गए ने जगह जगह दे उत्तों यह टाइलां उखड़ चुकी ने। हाँ जी यह देखो तुम यह सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता डिमोलिश होने के करीब जा रहा बिल्कुल। तो गल यह है कि मैं गल की है दो सपूत पंजाब के एक राजा पोरस तो दूजा महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने माई दे लाल इस तो बाद कोई ऐसा नहीं आ सकिया जड़ा कि अखंड पंजाब दे उते आके हुकमरानी कर पाएगा। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी और तुसी देख रहे हो खालसा राज फुटस्टैप्स इन पाकिस्तान। और मेरे नाल ने इस वेले लाहौर देखो जी और इन्हों का मेरा ख्याल है कि हवेली महान सिंह का जड़ा वो पहला इन्हों का विजिट है। मैं तो ऑलरेडी ये तीन विजिट कर चुका वा, मैं तो यह फस्ट टाइम जड़ा है इनू असी इन्ना हाईलाइट कर रहे हैं कि इस जड़ा कौमी विरसे हैरीटेज पंजाबी हैरीटेज जड़ा कि हुण कंबाइन हैरीटेज है इनू जड़ा संभाल की जाए। तुसी वेख रहे हो हवेली महान सिंह फादर ऑफ सरदार महाराजा रणजीत सिंह एंड बर्थ प्लेस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह।